वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो फ्राइडे के दिन फिर से गिराव स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। 3.75 पे क्लोजिंग दे चुका था फ्यूचर रिटेल, यानी कि 1.32% की क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो फ्यूचर रिटेल ने भी बहुत सी गिरावट और चौपे मूवमेंट देखने को मिले। मार्केट के आप देखोगे तो 200 करोड़ के करीब आ चुका है फ्यूचर रिटेल का। पी रेशो नहीं है, बुक वैल्यू यहाँ पे माइनस में ही है। डिविडेंड की बात किया तो डिविडेंड यहाँ पे कुछ नहीं देता है स्टॉक। आरओसी जो है यहाँ पे -13.7 माइनस में, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में ही है क्योंकि कंपनी को लॉस हो रहा है। फेस वैल्यू ₹2 का है। कंपनी के ऊपर टोटल लोन 13,811 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो -4,445 करोड़ का लॉस हो चुका है कंपनी को। ईपीएस भी देख सकते हैं -82 है क्योंकि कंपनी को बहुत सा लॉस देखने को मिल रहा है। सेल्स की बात की जाए तो 8,542.1 करोड़ के सेल्स हो चुके थे। टोटल एसेट जो है 17,600 करोड़ के है। प्रमोटर होल्डिंग 14.3% के है। तो प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही कम है, उसमें भी शेयर प्लेज है। एक साल में 91% की गिरावट देखने को मिली। तो देखा जाए तो देख सकते कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर नजर डाली जाए, जैसे कि कंपनी आने वाले क्वार्टर के नतीजे अच्छे दे सकती है। और नेगेटिव पॉइंट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही लो है। प्रमोटर होल्डिंग भी देख सकते कम हो चुकी है पिछले क्वार्टर में 3.92% की। कंपनी ने पोस्ट सेल्स ग्रोथ दिया है पिछले 5 सालों में। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही लो है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 सालों से देखोगे तो माइनस में ही है बहुत ज़्यादा। कॉन्टिंगेंट लाइबिलिटी जो है 1,595 करोड़ की है। प्रोमोटर्स होल्डिंग में देख सकते 31% तक शेयर प्लेज है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर रिटेल स्टॉक के लिए।